हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं नॉइस टेक। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ नॉइस की कलरफिट प्रो 3 वर्सेस अमेज़फिट की बीपीयू। ये दोनों ही वॉचेस काफ़ी हद तक सिमिलरली प्राइस्ड है। अगर मैं नॉइस की बात करूँ तो ये 4 से 4,500 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। उसी जगह अगर मैं अमेज़फिट की बात करूँ तो ये 3,500 से 4,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। और दोनों ही वॉचेस काफ़ी अमेजिंग है, बट आपको लेना सिर्फ एक ही है। इसीलिए हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं इन दोनों के डिज़ाइन से। दोनों का ही स्क्वायर डिज़ाइन है एप्पल वॉच जैसा, और दोनों ही काफ़ी अच्छी दिखती है। एप्पल वॉच में जैसे साइड में क्राउन देखने को मिलता है, उसी जगह इन दोनों में साइड में बटन्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये क्राउन्स नहीं है, आप इन्हें घुमा नहीं सकते, ये सिर्फ बटन्स हैं, बट काफ़ी अच्छी दिखती है दोनों ही वॉचेस। अगर हम दोनों ही वॉच को साइड में देखें तो हमें पता चलेगा नॉइस की वॉच का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है कम्पेयर टू अमेज़फिट, क्योंकि उसका डिस्प्ले भी बड़ा है, जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। दोनों ही वॉच पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी है, कोई भी मेटल या एल्यूमिनियम की नहीं है। ऑफकोर्स 3,000-4,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आप मेटल एल्यूमिनियम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट बिल्ड काफ़ी अच्छा है दोनों ही वॉचेस का। बट मुझे नॉइस को देखकर ऐसे लगा कि ये दिखने में थोड़ी थोड़ी मेटल फिनिश देती है। उसी जगह अगर मैं इस वॉच की अमेज़फिट की बात करूँ तो ये मेटल जैसी नहीं दिखती है, प्लास्टिक है और प्लास्टिक जैसी ही दिखती है। अगर हम पर्सनली पीछे से दोनों का बैक साइड देखें तो मुझे ऐसा लगा कि नॉइस थोड़ी सी प्रीमियम दिखती है कंपेयर टू अमेज़फिट। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि अमेज़ पीछे से प्लास्टिक दिख कर आती है, उसी जगह ये प्लास्टिक जैसी नहीं लगती है। दोनों ही प्लास्टिक, बट मुझे ऐसा लगा नॉइस थोड़ा सा डिज़ाइन में बेटर दिख कर आती है। दोनों का बैंड भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। हाँ, नॉइस क्योंकि वॉच बड़ी है, उसी जगह उसका बैंड भी थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे कंपेयर टू अमेज़फिट, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। हाँ, पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि नॉइस के बैंड पर जल्दी फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते, बट यहाँ अमेज़फिट के बैंड पे थोड़े से फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं, पर आप ऐसे वाइप करोगे तो साफ भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके डिस्प्लेस की। नॉइस का डिस्प्ले आपको मिलेगा 1.55 इंच का ट्रू व्यू डिस्प्ले, उसी जगह अमेज़फिट ने दिया है 1.43 इंच का डिस्प्ले। मैंने पहले ही बताया था कि अमेज़फिट थोड़ी सी छोटी वॉच है नॉइस से, इसीलिए क्योंकि उसका डिस्प्ले भी छोटा है। और अगर हम बेजल्स की भी बात करें तो नॉइस के बेजल्स काफ़ी कम है, उसी जगह अमेज़फिट के बेजल्स थोड़े से ज़्यादा है। और यहाँ पे अमेज़फिट का सामने आपको ब्रांडिंग भी मिलता है, नॉइस में सामने कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, थोड़ा सा क्लीन डिज़ाइन देखने को आ जाता है। अगर हम एक टेबल पे दोनों को रख दें और थोड़ा सा दूर से देखें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे नॉइस के बेजल्स नहीं दिख रहे थे। उसी जगह मैं अमेज़फिट को देख रहा था तो मुझे उसका डिस्प्ले अलग से दिख रहा था, उसके बेजल्स अलग से दिख कर आ रहे थे। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, पर मुझे ऐसा लगा कि नॉइस थोड़ा सा बेटर दिखती है उस डिपार्टमेंट में। दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वालिटी के डिस्प्लेज है, अच्छे कलर्स भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे कोई कंप्लेंस नहीं है डिस्प्ले से, बट मुझे ऐसा लगा कि नॉइस का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से कम बेजल्स है, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी दिख कर आती है। उसी जगह यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा डिस्प्ले मिलता है, थोड़े से ज़्यादा बेजल्स मिल जाते हैं। वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगा डिस्प्ले में थोड़ी सी नॉइस बेटर दिख के आती है। और हाँ, दोनों में ही फिंगरप्रिंट कोटिंग तो है, बट मुझे ऐसा लगा फिर से कि नॉइस में फिंगरप्रिंट्स काफ़ी कम दिखते, उसी जगह इसके डिस्प्ले पे अमेज़फिट में फिंगरप्रिंट्स थोड़े से ज़्यादा दिख कर आते हैं। हाँ, अगर आप एक बार कपड़े से ऐसे ऐसे साफ़ करोगे तो साफ हो जाएंगे और बाद में एकदम क्लीन हो जाएगा, बट फिंगरप्रिंट्स आपके दिख करेंगे। आप डेली यूज़ कर रहे हो तो आपको दिखेंगे वो फिंगरप्रिंट्स, उसी जगह नॉइस पर वो चीज़ नहीं दिखेगी। डिस्प्ले में भी मुझे ऐसा लगा कि नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी दिख कर आती है। अब बात करते हैं वॉच फेसेस। दोनों ही वॉच में काफ़ी सारे वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो क्लाउड बेस्ड है, और इनको सेट करने का तरीका भी बहुत ईजी है। दोनों के रिस्पेक्टिव ऐप्स है, आप जाओ उधर और वहाँ से आप वॉच फेस सेट कर सकते हो। वॉच फेस सेट करने में ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड दोनों ही वॉचेस को लग जाते हैं, और दोनों में भरपूर वॉच फेसेस है, और वॉच फेसेस पर भरपूर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाते हैं, जो अच्छी बात है। और हाँ, आप कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों ही वॉच में ज़्यादातर ब्लैक वॉच फेसेस ज़्यादा है, ताकि बेजल्स ना दिखे, अच्छी बात है। लाइटर वॉच फेसेस भी है, बट थोड़े से कम है, वो डिपेंड करता है आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे भी ब्लैक ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने भी ब्लैक वॉच फेसेस ही रखे हैं दोनों वॉच पे। अब बात करते हैं वर्कआउट मोड्स। भाई, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ मुझे ऐसा लगा अमेज़फिट ने नॉइस को बुरी तरीके से ले लिया। नॉइस में आपको सिर्फ 12 मोड्स देखने को मिलते हैं, इंडोर वॉक, आउटडोर वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग, यही सारे देखने को मिलते हैं, क्रिकेट भी एक मिल जाता है। उसी जगह अगर मैं इस वॉच की बात करूँ अमेज़फिट में, तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और भरपूर है, मतलब 50-60 मोड से ज़्यादा दिख गए मुझे, जो बहुत है। इंडोर मोड, आउटडोर मोड, ट्रेडमिल, वॉकिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, योगा, फ्री एक्सरसाइज, इलेप्टिकल ट्रेनर, बैडमिंटन, क्रिकेट, डांस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद एक मोर ऑप्शन भी आता है।
इसमें रनिंग, साइकिलिंग, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, स्विमिंग, स्विमिंग में और है, उसके बाद विंटर स्पोर्ट्स में और है। बॉल स्पोर्ट्स की बात करो तो वहाँ पे और अलग है, जैसे क्रिकेट, बेसबॉल, बॉलिंग, स्क्वॉश, बास्केटबॉल, उसके बाद गेट बॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस। तो भाई बहुत है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल गए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि भाई हमें स्पिट ने यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिल जाते हैं आपको अमेज़ फिट की वॉच में। अब बात करते हैं दोनों के मेन्यू ऑप्शन। सो सबसे पहला मेन्यू ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो दोनों में गोल्स है, यहाँ पे गोल्स मिलेगा, यहाँ पे एक्टिविटी गोल मिलेगा, जिसमें आपको आपके डेली स्टेटस दिख जाएगा, कितना चले, कितना उठे, कितना बैठे। हाँ, अमेज़ फिट में आपको स्टैंड देखने को मिल जाता है जो आपको यहाँ नहीं मिलता है। बाकी दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, कैलोरीज कितनी बर्न की, क्या बर्न की, कितना चले, ऑलमोस्ट सारा ही डेटा सेम देखने को मिल जाता है। उसी के बाद मैं दूसरे मोड की बात करूँ तो आता है हार्ट रेट। ऑफ कोर्स हार्ट रेट बहुत ज़रूरी है, हर वॉच में मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ मिलती है, दोनों ही काफ़ी एक्यूरेट है। उसके बाद आता है स्ट्रेस, भाई आपकी ज़िंदगी में कितने टेंशन है, वैलेंटाइंस का टाइम है, आपको टेंशन ही टेंशन है, वॉच पहनो आपको पता चलेगा, आपकी वॉच बताएगी भाई तेरे को बहुत टेंशन है, तू आराम कर, वैलेंटाइंस मंथ बना, सिंगल रह। उसके बाद आता है ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन भी एक बहुत अच्छा फीचर है, दोनों ही वॉच अच्छा काम करती है डिटेक्ट करने में, जो सही है। उसके बाद आता है स्लीप ट्रैकिंग, भाई मैंने दोनों ही वॉच पहन के सोया 7 से 8 घंटे और मुझे दोनों में अच्छी रीडिंग्स देखने को मिल गई। अगर मैं स्लीप में UI की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा डेटा दिखा रहा है कंपेयर टू अमेज़ फिट ऑन द वॉच। ऐप में दोनों ही इक्वल दिखाते हैं, बट अगर मैं वॉच पे बात करूँ तो भाई नॉइज़ ने बहुत सारा डेटा दिखाया, जैसे अवेक है, REM स्लीप है, बाकी सारे स्लीप है, आप कितना सोए, कब उठे, क्या था, सब मिलेगा। बट यहाँ पे सिर्फ 1-2 रीडिंग्स देखने को मिलती है, बट ये सिर्फ वॉच का है, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपको सारा ही डेटा देखने को मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा स्लीप डेटा ये सब में नॉइज़ ने थोड़ा सा वॉच के डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोकस किया है। अब उसके बाद आते हैं ब्रीद, तो ब्रीदिंग के फीचर दोनों में मिल जाते हैं, भाई 1 मिनट 2 मिनट आप सेट करो और सांस ले लो, भाई अच्छा है, अच्छा फीचर है। अब आता है विमेन हेल्थ ट्रैकिंग, तो भाई नॉइज़ में आपको ये फीचर नहीं मिलता है, आपको अमेज़ फिट में मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। म्यूज़िक कंट्रोल, दोनों ही वॉचेज़ में म्यूज़िक कंट्रोल मिलता है, म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस पे जा सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल्स कर सकते हो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इधर। अब आते हैं पाए, दैट इज़ पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, ये आपको नॉइज़ में नहीं मिलता है, अमेज़ फिट की वॉच में देखने को मिल जाता है। मतलब भाई आपके हार्ट रिलेटेड डेटा है, अपने हार्ट के थ्रू कितनी कैलोरीज बर्न की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है, बट यहाँ नॉइज़ में नहीं मिलती, जो थोड़ा सा अच्छा फीचर लगा मुझे। जैसे बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI, वैसे ही पाए भी एक अलग फीचर है जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, बट नॉइज़ में नहीं है। फिर सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी अलग सेटिंग्स है, वॉच फेस है, ब्राइटनेस कंट्रोल्स है, ये सारे अलग अलग फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। रिस्ट डिटेक्शन हो गया, टैप टू वेक हो गया, रेस टू वेक हो गया, ये सारे फीचर्स। नॉइज़ में टैप टू वेक नहीं है, यहाँ पे आपको हमें इस फिट में टैप टू वेक भी देखने को मिलता है। सो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, वर्कआउट मोड्स में मुझे ऐसा लगा नॉइज़ ने थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं ऐप सपोर्ट्स, तो भाई नॉइज़ में आपको मिलता है नॉइज़ फिट और यहाँ पे आपको मिलता है ZEP, ZEPP, दोनों के ऐप्स काफ़ी अच्छे हैं। भाई हार्ट डेटाज है, आपका कैलोरीज बर्नड है, स्टैंड कितना है, कितना चले, कितना भागे, कितना दौड़े, सारी चीज़ें आपको इन ऐप्स में देखने को मिल जाती है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, स्लीप डेटाज दोनों के ही ऐप में आपको देखने को मिल जाता है। सो भाई दोनों ही ऐप्स फीचर रिच है, आपके रिकॉर्ड्स, आपके वर्कआउट रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। वॉच फेसेस चेंज करने हैं, कस्टम वॉच फेसेस लगाने हैं, दोनों में हो जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन है, सेटिंग्स थोड़ी बहुत है, यहाँ पे सारी चीज़ें दोनों ही ऐप में मिल जाती है। सो भाई दोनों के ही ऐप काफ़ी अच्छे लगे मुझे। हाँ, पर्सनली मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा UI में नॉइज़ बेटर है, बट वो पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको ये भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है। बाकी तो यही है कि दोनों के ऐप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे और फीचर रिच है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर, तो भाई मैंने सबसे पहले ये चीज़ नोटिस की इन दोनों ही वॉचेस में, नॉइज़ में आपको नोटिफिकेशन देखना है तो स्वाइप डाउन करो, उसी जगह अमेज़ फिट में स्वाइप अप करो, और फिर नॉइज़ में अगर आपको एक्स्ट्रा सेटिंग थोड़ी बहुत देखनी है तो स्वाइप अप करो, वैसे ही अमेज़ फिट में स्वाइप डाउन करो, थोड़ा सा उल्टा चलता है। और यहाँ पे नॉइज़ में आपको 3 लेवल्स मिलते हैं ब्राइटनेस के, उसी जगह यहाँ पे आपको 4 लेवल्स मिलते हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नॉइज़ के थोड़े से ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा है, थोड़े से मैंने लाइट में देखा तो मुझे तब समझ में आया कि हाँ नॉइज़ थोड़ा सा बेटर है, इतना ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। उसके बाद दोनों ही वॉचेस का सॉफ्टवेयर अच्छा है, पसंद आया मुझे, पर मुझे ऐसा लगा अमेज़ फिट थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है कंपेयर्ड टू नॉइज़। नॉइज़ हल्का फुल्का जिटरी है, ऐसा लगेगा हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगा मुझे। अगर आप सेटिंग्स के बीच में ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो या कोई सेटिंग नहीं चालू कर रहे हो, बंद कर रहे हो, मेन्यू के बीच में ऐसे घूम रहे हो, तो आपको वो चीज़ नोटिस होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा जिटरी हो जाता है नॉइज़ में, उसी जगह यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ है अमेज़ फिट में।
और यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की जो मैंने बताई, यहाँ पर रेस 2A के पर टैप 2A नहीं है, बट अमेज़फिट में आपको रेस 2A टैप 2A दोनों ही मिल जाते हैं। और अमेज़फिट थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब आपने उठाया तो जल्दी वेक होती है, नॉइज़ थोड़ा सा रुक कर वेक होती है। अब आते हैं बैटरी लाइफ। नॉइज़ बोलता है 10 दिन, उसी जगह अमेज़फिट बोलता है 9 दिन। दोनों की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी मुझे। मुझे ऐसा लगा नॉइज़ में मुझे 6 से 7 दिन का बैटरी लाइफ मिला, अमेज़फिट में मुझे 5 से 6 दिन का मिला। सो बैटरी लाइफ दोनों की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी मुझे। सो गाइज, यही था मेरा कंपैरिजन। आपको कौन सा लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक फीमेल हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अमेज़फिट एक अमेजिंग वॉच है। थोड़ी सी छोटी है, कॉम्पैक्ट है, आपको छोटे डिस्प्ले से इशू नहीं होगा। बॉयज़ के लिए आप ले सकते हो, नो इशूज़। बट मुझे ऐसा लगा नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा मैनली लगती है कंपेयर्ड टू अमेज़फिट। आपको बड़ा डिस्प्ले, बड़ा डिज़ाइन देखने को मिलता है, बट अमेज़फिट ने यहाँ बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में थोड़ा सा बेटर है, वर्कआउट ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, टैप टू वे के ऐसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोनों में ही आपको ऐप सपोर्ट्स मिलता है, तो दोनों में काफ़ी अच्छा है। बैटरी लाइफ दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है, वॉच फेसेस दोनों में भरपूर है, कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।